हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का हिस्ट्री और ये है चैप्टर नंबर 1 रेनेसांस इन यूरोप एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करते हुए आज इस चैप्टर को खत्म करें। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछले वीडियोज के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझा इस चैप्टर में से, यूरोपियन क्रूसेज एंड इट्स फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज, इसके अलावा नए दौर की नई शुरुआत रेनेसांस पीरियड कैसा रहा ये भी हमने जाना, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ साइंस और साइंटिफिक इन्वेंशन इन वेरियस फील्ड पिछले वीडियो में हमने कवर किया। दोस्तों, आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है अबाउट ज्योग्राफिक डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरर्स, इसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक नेशनलिज्म के टॉपिक पर। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि नीचे जो आपको स्क्रॉलिंग करती हुई टेक्स्ट दिखाई दे रही है, यहां टेलीग्राम चैनल का लिंक है, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंत में आपको नोट्स जो है वो इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं। तो जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं ज्योग्राफिक डिस्कवरीज के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये हैं वो खोजी लोग, ये हैं वो डिस्कवरर्स, वो एक्सप्लोरर्स जिन्होंने ढेर सारी घुमक घुमाई करते हुए अलग अलग दुनिया के नजारे दुनिया के सामने रखे, अलग अलग देशों को ढूंढा, खोजा और अलग अलग जगहों पर जा करके दुनिया के सामने नक्शा ही बदल दिया। सबसे पहला नाम है श्रेणी में मार्को पोलो का। जी हां, मार्को पोलो ये एक इटालियन ट्रैवलर है। मार्को पोलो ने चाइना और कई दूसरे एशियन कंट्रीज को यूरोप के सामने रखा। जी हाँ, चाइना पहली बार खोजने वाले मार्को पोलो और कई एशियन कंट्रीज को भी इन्होंने ही ढूंढा था। दोस्तों, ही स्टेड इन चाइना इन द रॉयल कोर्ट ऑफ कुबलाई खान, देयर ही स्टडीड मंगोलियन एंड चाइनीज लैंग्वेजेस। तो इस प्रकार मार्को पोलो का कॉन्ट्रीब्यूशन चाइना और एशियन कंट्रीज ढूंढने में और यूरोपियंस तक इसकी खबर पहुंचाने में बहुत अहम था। बात करते हैं अगले एक्सप्लोरर की, तो ये हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता बगल में जूता, सुना होगा ये गाना दोस्तों आप लोगों ने। इब्न बतूता एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और फेमस मिडिवल ट्रैवलर थे, मिडिवल पीरियड के एक बेहतरीन ट्रैवलर इन्हें माना जाता था और इन्होंने कई अलग अलग जगहों को खोजा। इब्न बतूता विजिटेड इंडिया, मालदीव्स, सुमात्रा, चाइना, स्पेन, सर्डिनिया, ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका फॉर वेरियस रीजंस। कई अलग अलग कारणों की वजह से घूमते घुमाते इब्न बतूता अलग अलग जगहों को विजिट करते रहते थे। हेनरी द नेविगेटर, ये भी एक जबरदस्त एक्सप्लोरर थे। ही वॉज द प्रिंस ऑफ पोर्चुगल इन 15th सेंचुरी। ही एनकरेज पीपल टू गो ऑन एक्सपीडिशंस, यानी घूमने के लिए एनकरेज करते थे अलग अलग जगहों को, एडवेंचर करने के लिए प्रेरित करते थे लोगों को, एंड सर्च फॉर लैंड्स व्हिच वर नॉट नोन टिल देन। दीज एक्सपीडिशंस रिजल्टेड इनटू द डिस्कवरी ऑफ मदीरा एंड अजोर्स, टू आर्किपेलागोस नियर अफ्रीका, यानी दो ऐसे लैंड जो आज तक दुनिया की नजरों से दूर थे, ऐसे लैंड्स को ढूंढने में मदद की गई। जी हाँ, मदद मिली हेनरी की वजह से, हेनरी ने ही प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया। दीज टू आर ऑटोनोमस रीजन्स ऑफ पोर्चुगल, द पोर्चुगीज बिगैन टू ट्रांसपोर्ट अफ्रीकन पीपल टू पोर्चुगल एंड सेल देम एज स्लेव्स। कहीं ना कहीं ये जो लेबर का पूरी तरह से एक्सप्लॉइटेशन वाला जमाना था ना, वो भी यहीं देखा गया। अफ्रीकन जो थे उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता था पोर्चुगीज द्वारा और उन्हें बेच दिया जाता था एज गरीब, एज मजदूर। जी हाँ, अफ्रीकन गोल्ड वाज आल्सो ब्रॉट बैक टू पोर्चुगल बाय दीज पीपल। कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों ने जो है गोल्ड जो था वो पोर्चुगल में लाया, बिकॉज ऑफ देम ओनली दिस वॉज पॉसिबल। बात करें दोस्तों अगले एक्सप्लोरर की, तो ये है बार्थोलोमियो डायस। जी हाँ, बार्थोलोमियो डायस की जब बात आती है तो याद रखिए, डायस बिगन हिज एक्सपेडिशन ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द किंग ऑफ पोर्चुगल जॉन टू। जो पोर्चुगीज राजा थे जॉन टू, उनके कहने पर इन्होंने अपनी खोज शुरू की थी। ही रीच्ड द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका व्हिच ही नेम्ड एज Cape of Storms. Later the name was changed to Cape of Good Hope. He was the first seafarer to circumnavigate the African continent. पहले ऐसे सीफरर थे जिन्होंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सर्कमनेविगेट किया था। जी हाँ, बार्थोलोमियो डायस का इसीलिए बहुत नाम है, जबरदस्त नाम है, याद रखिए।
बार्थोलोमियो डायस जो हैं इन्होंने पहली बार पूरा सेल किया, फ्लाई किया, ट्रैवल किया ऑल अराउंड दिस पर्टिकुलर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और इसी को सर्कम नेविगेट कहते हैं क्योंकि इन्होंने कंप्लीटली जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पूरी तरह से एकदम खोज लिया था, पूरा एक्सप्लोर कर लिया था। बात करते हैं अगले पॉपुलर और फेमस एक्सप्लोरर की, ये हैं हमारे क्रिस्टोफर कोलंबस। इन द ईयर 1453 इस्तांबुल द कैपिटल सिटी ऑफ द ईस्टर्न रोमन बाइजेंटाइन एम्पायर वॉज कॉन्कर्ड बाय द ओटोमन आर्मी, देयर आफ्टर इट बिकेम द कैपिटल ऑफ द ओटोमन एम्पायर, नाउ द ईस्टर्न सी रूट वॉज क्लोज फॉर द यूरोपियंस। यानी जैसे ही ये ओटोमन टर्क्स ने कब्जा कर लिया था इस्तांबुल और अलग अलग बाइजेंटाइन की इलाकों पर, तो ये जो रास्ते थे कहीं ना कहीं यूरोपियंस के लिए क्लोज हो चुके थे, और कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी हो गया था कि यार एशिया अफ्रीका जाने के लिए कोई नया रास्ता खोजना पड़ेगा। इट हैड बिकम नेसेसरी फॉर देम टू सर्च फॉर एन अल्टरनेटिव रूट, कोई और रास्ता होना चाहिए क्योंकि अब टर्क्स जो थे ओटोमन वो जाने नहीं दे रहे थे उस रास्ते से यूरोपियंस को एशिया की तरफ, और इसीलिए कोई नया रास्ता खोजना बहुत जरूरी था। विद द सपोर्ट ऑफ द किंग फर्डिनेंड एंड क्वीन इजाबेल ऑफ स्पेन, क्रिस्टोफर कोलंबस एन इटालियन एक्सप्लोरर सेट सेल इन द सर्च ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस ने उस जमाने के राजा फर्डिनेंड और क्वीन इजाबेल ऑफ स्पेन की मदद से इटालियन एक्सप्लोरर ये क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे इन्होंने इंडिया की खोज को शुरू किया। ही वॉज सर्टन दैट बाई सेलिंग वेस्टवर्ड्स ही वुड फाइंड इंडिया एज द अर्थ इज राउंड, इंस्टेड ऑफ रीचिंग इंडिया ही रीच द आइलैंड्स नियर अमेरिका। तो कहीं ना कहीं पोपट तो हो ही गया था यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस, इंडिया पहुंचने की जगह अमेरिका ही पहुंच गए थे और अमेरिका के कई आइलैंड्स वाले इलाकों में ये पहुंचे थे। क्रिस्टोफर कोलंबस की ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन एक नई कहानी शुरू होती है एक नए एक्सप्लोरर अमेरिगो वेस्पुसी। जी हाँ, अमेरिगो वेस्पुसी ये भी एक इटालियन एक्सप्लोरर थे, सपोज to have gone on expedition on the orders of kings of Spain in 1497. इन्होंने क्या ढूंढा, तो भैया the land he found was named as Venezuela in his third expedition by following the river course. He could discover the delta region of the Amazon. It is believed that America was named after Amerigo Vespucci. तो ये नाम की कहानी जो है वो अमेरिगो से ही आती है ऐसा माना जाता है। अगले महान और बहुत ही फेमस एक्सप्लोरर हैं वास्को डा गामा। जी हाँ, वास्को डा गामा की कहानी की बात करूं दोस्तों, तो इन द ईयर 1497 वास्को डा गामा द पोर्चुगीज डिसीवरर सेट सेल विद अ फ्लीट ऑफ 4 शिप्स एंड 170 सेलर्स, 170 सेलर्स के साथ 4 जहाज बड़े बड़े लेकर इंडिया की खोज में निकले। ही रीच द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड विजिटेड अ फ्यू अफ्रीकन पोर्ट्स एज वेल लाइक मुंबासा एंड मालिंदी। At Malindi, he met an Indian navigator and under his guidance, Vasco da Gama landed the Indian port of Calicut, Kozhikode. तो इस प्रकार एक भारतीय से जब ये मिले मालिंदी के आसपास, जब ये एक भारतीय से मिले, भारतीय नेविगेटर से मिले, तो उसी के गाइडेंस से ये इंडिया तक पहुंच पाए और इंडियन पोर्ट कैलिकट जो था कोझिकोड में, वहां पर इनका पदार्पण हुआ, आगमन हुआ। He asked King Zamorin of Kozhikode for trading permission. After obtaining the permission, he returned to Portugal. Thereafter, he visited India twice. तो वहाँ के राजा से, कोझिकोड़े के राजा से ट्रेड करने की, बिजनेस करने की परमिशन लेने के बाद पोर्चुगल लौटे और फिर इंडिया दो बार आए। He became the first viceroy of Goa and Kochi after the Portuguese rule was established there. The trading between European countries and India was initiated through his efforts. तो यानी वास्को डा गामा का रोल बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। इंडिया और पोर्चुगीज के बीच के लिंक बने हैं, वो यूरोपियंस के बीच के लिंक बने हैं, कई अलग अलग ट्रेड करने में इनका ही, ट्रेड ट्रांजैक्शंस करने में इनके ही एफर्ट्स रहे हैं हमेशा दोस्तों। अब बात करते हैं अगले एक्सप्लोरर की, ये हैं फर्डिनेंड मैगेलन। जी हाँ, फर्डिनेंड की बात करें तो ये एक स्पैनिश एक्सप्लोरर हैं हु ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट एक्सपेडिशन which proved to be the first attempt of circumnavigation of the earth, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे अर्थ का मैं एक चक्कर लगा लूंगा, ऐसा फर्डिनेंड कह रहे हैं। Unfortunately, when it had almost reached completion, Magellan was killed in Philippines. यानी इनकी मौत हो गई। ऐसा लग ही रहा था कि यार ये तो अब कंप्लीट कर लेंगे सरकम नेविगेशन को, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। खत्म होते होते ये जर्नी पूरी तरह से खत्म हो गई, मैगेलन ही खत्म हो गए, फिलीपींस में उनकी मौत हुई। However, his companions completed the circumnavigation. Charles I, the king of Spain, had planned this expedition. तो यहां पर फर्डिनेंड की अनफॉर्चुनेट मौत तो हो गई, लेकिन उसके जो साथी थे उन्होंने इस जर्नी को कंप्लीट किया। बात करें अगले एक्सप्लोरर की, तो नाम है सैमुअल डी चैम्पलन।
The French navigator and the cartographer organized expeditions to North America. There he established French colonies. He established the city of Quebec in Canada as well. तो यहाँ पर देखिए एक के बाद एक अलग अलग explorers के बारे में हम पढ़ते जा रहे हैं और उनके किए गए कामों के बारे में हम समझते जा रहे हैं. ये दौर ही कुछ ऐसा था दोस्तों, ये दौर ही कुछ ऐसा था जहां पर कहीं ना कहीं दोस्तों एक अलग सा माहौल भी देखने मिला. दोस्तों अब बात करते हैं एबल जेनसन तस्मन की. तस्मन वॉज बॉर्न इन हॉलैंड. ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कॉलोनियल रश फॉर सर्चिंग अननोन लैंड्स बाय डिस्कवरिंग न्यूजीलैंड. देखिए हर कोई कुछ ना कुछ खोज रहा है और ये एक दौर ही रेनेसांस का है, चेंज का है, जब लोग जो हैं नई चीजें ढूंढना और पसंद करना चाहते हैं. इन 1644 ही सर्वेड द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ न्यू गियाना आईलैंड्स एंड याद रखिए डिस्कवर्ड द रीजन ऑफ कार्पेंट्रिया इन क्वींसलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया. तो इस प्रकार ये दौर कुछ ऐसा था जब हर कोई बिजनेस करना चाहता था, ट्रेड बढ़ाना चाहता था, व्यापार संबंध बढ़ाना चाहता था, अलग देशों में व्यापार करने की कोशिश थी और इसीलिए दोस्तों यहां पर अलग अलग खोजी जो हैं, अलग अलग एक्सप्लोरर्स जो हैं, वो नए नए लैंड्स को ढूंढ रहे हैं. बात करते हैं कैप्टन जेम्स कुक की. फेमस कैप्टन जेम्स कुक. कैप्टन जेम्स कुक ऑफ द ब्रिटिश रॉयल नेवी सेट हिज फुट इन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. ही सर्वेड द आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन एंड प्रिपेयर्ड एक्यूरेट मैप्स. यानी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने अपने पैरों को जमाया और कहीं ना कहीं कई एक्यूरेट मैप्स बनाने में भी इनका योगदान था. ही कट अक्रॉस 60,000 नॉटिकल माइल्स ड्यूरिंग हिज जर्नी ऑफ 3 years. यानी यार कमाल का और अद्भुत सा प्रवास इनका रहा है. इन्होंने 60,000 माइल्स को कवर किया अपनी 3 साल की जर्नी में और ये बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट माना जाता है. बात करें लुइस एंटोनी द बोगेनविलिया की, तो यहां पर दोस्तों ही वॉज फ्रेंच सीफरर. He reached Tahiti after crossing the Pacific Ocean. पूरा Pacific Ocean पार करते हुए Tahiti नाम की जगह पर पहुंचे और 1771 में उन्होंने एक किताब लिखी Voyages Around the World which describes his journey to Tahiti. Using the information in his book, French missionaries reached Tahiti in the 19th century. यानी इन्हीं की किताब को पढ़ के और उन्हीं के से मदद से रास्ता बनाते हुए they established a French colony in Tahiti. One of the islands, ये फ्रेंच मशीनरीज जो थे इन्होंने तहिती में अपनी कॉलोनी तो बनाई, साथ ही साथ one of the islands and also a flowering climber, Bougainvillea is named after him. तो कहीं ना कहीं इनका नाम अमर हो गया और इन्हीं के नाम के आगे जो है एक आइलैंड का नाम भी रखा गया. दोस्तों बात करें अब मुंगो पार्क की, तो मुंगो पार्क स्कॉटिश एक्सप्लोरर इज नोन फॉर हिज एक्सपेडिशन टू वेस्टर्न अफ्रीका. इन 1795 ही ट्रेस द कोर्स ऑफ रिवर नाइजर एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेडिशन. तो यहाँ पर मुंगो पार्क के साथ ही सारे एक्सप्लोरर्स के नाम यहाँ पर होते हैं खत्म और अलग अलग चीजें जो उन्होंने खोजी हैं वो हमने 1.5 में ज्योग्राफिक डिस्कवरीज और एक्सप्लोरर्स के माध्यम से पढ़ लिया है. उम्मीद करता हूं आपको सभी नाम जो हैं वो समझ में आए होंगे और उन्होंने किए गए काम भी आपने पढ़े होंगे. अब बढ़ते हैं आगे. जो अगला कॉन्सेप्ट है वो एक फेमस और सुपर फेमस कॉन्सेप्ट है जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट. दोस्तों याद रखिए ये एक औद्योगिकरण की क्रांति है. यहाँ पर कोई मारधाड़ या कोई लड़ाई या कोई वॉर नहीं हुआ है. ये एक वॉर नहीं है लेकिन ये एक ट्रांजिशन है. ट्रांजिशन फ्रॉम मैनुअल प्रोडक्शन टू मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन. हर चीज को मशीन से कैसे मुमकिन किया जा सकता है, कैसे प्रोडक्शन तेज किया जा सकता है, फास्ट किया जा सकता है, इसी की खोज जो है वो शुरू थी और इसी को हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं. जब हर तरफ हर काम को करने के लिए इंडस्ट्रीज मशीन्स और मशीन्स का ही उपयोग हो रहा था, इसी क्रांति को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं. जी हाँ, इन द 18th एंड 19th सेंचुरीज स्टीम पावर्ड and water powered hydraulic machines came into use for industrial production. Industrial revolution could happen only in a capitalist economy jahan paisa hai. Jahan paisa hai wahi ye mumkin tha. Capitalist economy, a new class of capitalist emerged jo chahte the aur business aage badhe aur trade tezi se ho, zyada maal bane, zyada maal bike, zyada production, zyada sales, who were either owners of industrial establishments or could provide capital to such establishments to produce commodities of common use with a minimum possible production cost, to pay least possible wages in order to maintain maximum profit margins are the characteristics of capitalist economy. Yani iska maksad kya tha capitalist economy ka, to bahut hi simple tha. Aisi commodities banao, aise products banao jo logon ke kaam aaye aur minimum possible production cost mein, yani minimum kharche mein ye products bana lo taki bech ke zyada
पैसे कमा पाओ और वेजेस भी एकदम कम, मजदूरों की तो पूरी वाट लगा के रखी थी, घंटों काम करवाते थे और बहुत कम पैसे देते थे। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स राइट टू मैन्युफैक्चर एंड टू फिक्स द प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ऑल्सो टू डिटरमाइन द प्रॉफिट मार्जिन्स एज ऑल्सो द राइट ऑफ द कंज्यूमर टू बाय गुड्स ऑफ हिज चॉइस आर इनबिल्ट नॉर्म्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूरी तरह प्राइवेट ओनरशिप पे चलती थी, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स पर चलती थी और तेज तर्रार रूप से गुड्स का प्रोडक्शन ही इसका मकसद हुआ करता था। इन इंग्लैंड द एटमॉस्फेयर वाज सूटेबल, आहा एकदम सूटेबल था, और पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही आई, इंग्लैंड से ही ये शुरुआत हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। लार्ज अमाउंट्स ऑफ आयरन ओर एंड कोल वेयर अवेलेबल और इसीलिए इन रिसोर्सेस का भरपूर इस्तेमाल करते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया। द डैम्प क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड वाज सूटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग कॉटन यार्न, यानी यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जोरों शोरों से चल रही थी। विद दीज फेवरेबल कंडीशंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लरिश्ड इन इंग्लैंड। तो इस प्रकार तेज तर्रार तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कमाल कर दिया। एट दैट टाइम इंग्लैंड हैड एस्टैब्लिश्ड कॉलोनीज इन मेनी कंट्रीज, कब्जा तो हर जगह कर चुकी थी इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से कई देशों में कब्जा कर रही थी, कॉलोनीज बना रही थी, इंडिया उनमें से एक था। सो इंग्लैंड कुड इजीली ऑब्टेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एसेंशियल रॉ मटीरियल एज वेल, हमारे देशों से सस्ते में रॉ मटीरियल उठाकर अपने देश में एक्सपोर्ट कर देती थी और वहां पर प्रोडक्शन जोरों शोरों से होता था। इंग्लैंड कुड इजीली ऑब्टेन लार्ज क्वांटिटीज of raw material at cheap rates from the colonies. England could also export the processed goods to the colonies and sell it there with large profit margins. Yani yaar dono haathon mein laddu, England ne to bhai yahan se bhi kamaya, wahan se bhi kamaya, har jagah se kamate hue bas paisa kamaya, wealthy ban gayi England jo thi industrial revolution ki sabse जबरदस्त भागीदार साबित हुई। इंग्लैंड ने कई कॉलोनीज बनाई और उनको यूज किया, उन्हीं से रॉ मटेरियल सस्ते में खरीद कर उन्हीं को फिनिश्ड गुड्स महंगे में बेचा। द प्रॉफिट्स अर्नड इन द कॉलोनीज मेड लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैपिटल अवेलेबल टू द ब्रिटिश मर्चेंट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू मेंटेन ऑप्टिमम लेवल कॉस्ट, यानी इनका बनाया हुआ सामान सस्ता भी बन जाता था क्योंकि लेबर सस्ते में कॉलोनीज से मिल जाता था, अफ्रीका के गरीब मजदूर मिल जाते थे, इंडिया के गरीब मजदूर मिल जाते थे और ऐसी मजदूरी करते थे यार क्या बताऊं। बहुत जबरदस्त तरीके से इंग्लैंड ने यूज किया सभी को और अपना घर भर लिया। These factors giving boost to economy prepared favorable ground for the onset of industrial revolution in England. दोस्तों, industrial revolution however affected India adversely, क्योंकि यार हमारी तो पूरी तरह से cottage industry खत्म होने लगी, हमारा सारा जो monopoly था cottage industry में वो पूरा England ने छीन लिया हमसे, हमारा use कर लिया, वापर कर लिया और इसीलिए हमें बहुत जोर का झटका लगा। The textile industry in India almost came to a halt. द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारी शोषित कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, मार धाड़ मार काट फ्रीडम फाइटर्स की हो रही थी और कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने पूरी तरह से हमें गुलामी की जंजीरों में बांध लिया था। सभी चीजें इंग्लैंड के फेवर में जा रही थी। रेलवेज मेड इट पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट यूरोपियन गुड्स टू रूरल एरियाज फॉर सेल, इट टर्न्ड इनटू मॉनेटरी एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडियंस। ये हमारा एक खराब दौर था, गुलामी का दौर था और इसीलिए इंग्लैंड ने इसका भरपूर फायदा उठाया। अब बात करते हैं आखिरी टॉपिक की दोस्तों, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है 1.7 इकोनॉमिक नेशनलिज्म। दोस्तों, अब इकोनॉमिक नेशनलिज्म की शुरुआत हो चुकी थी। राइज ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म वाज एन आउटकम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ही उपज थी। अरेस्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ राइवल नेशंस अलोंग विद प्रेवलेंट परसुइंग द Fervently pursuing the economic growth of one's own nation became very important. याद रखिए दोस्तों, अब दूसरों को रोकना और खुद आगे बढ़ना ये एक ट्रेंड उस जमाने में चल रहा था। इंग्लैंड दूसरों को कॉलोनी बना लेती थी और खुद आगे बढ़ती रहती थी। इट बिकेम इंपॉर्टेंट टू डिवाइज वेज टू पुट इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइवल कंट्री, कहीं ना कहीं जर्मनी रशिया एशियन अफ्रीकन कंट्रीज खुद से आगे ना बढ़े इसलिए उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने का एक दौर शुरू हो गया था। Measures such as the prohibiting the import-export transactions of other countries, levying heavy tolls on their goods, establishing colonies mainly in Asian and African countries, if need be, fighting battles with the natives of the colonies were part of economic nationalism. और इसी तरह अपना दबदबा industrially revolutionized countries ने बनाना शुरू किया। The chain of surplus production was the effect of industrial revolution and in turn the economy based on surplus production supported economic nationalism and also imperialism. तो कहीं ना कहीं ये colonization, ये imperialism, ये industrial revolution की वजह से ही पूरी तरह से माहौल खराब हो चुका था।
इट बिगेन द विशियस सर्कल ऑफ कंटिन्यूअसली कैप्चरिंग न्यू मार्केट प्लेसेस. हर देश इंग्लैंड की ही तरह कॉलोनीज बनाने की होड़ में लग चुका था, नए नए देशों को कब्जा करने में लग चुका था, नए नए लैंड्स को खोज कर वहां पर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश में लग चुका था, और ये बहुत ही घातक और खतरनाक बन चुका था. दोस्तों, हर कोई अपने आप को बड़ा बनाने की रेस में दूसरों को गुलाम बना रहा था. To maintain an unbroken chain of supply of raw material, to attract more and more investors, to safeguard their investments and so on. It resulted into exploitation of colonies. कहीं ना कहीं extreme nationalism और industrialization, concept of racial superiority, aggressive colonial policy supported further growth of imperialism. कहीं ना कहीं इन्हीं वजह से imperialism बढ़ा और आखिर में world war भी हुआ. The result was the immense expansion of European empires, nations like England, France, Belgium, Germany. दोस्तों, आज इस चैप्टर में हमने रेनेसांस को खत्म किया है, हमने डेवलपमेंट ऑफ साइंस भी देखा है, हमने एग्रेसिव नेशनलिज्म और इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी समझा. इन द नेक्स्ट लेसन वी शैल लर्न मोर अबाउट यूरोपियन कॉलोनिज्म. दोस्तों, अगले लेक्चर में यूरोपियन कॉलोनिज्म को डिटेल में समझेंगे, लेकिन आपको फिर एक बार याद दिला दूं, ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, जहां आपको नोट्स मिल जाएंगे इस पूरी एक्सरसाइज के, और इन आसान और सिंपल नोट्स के साथ आप अपने एग्जाम की तैयारियां अच्छे से कर पाएंगे. तो मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ और अगले चैप्टर के लेक्चर्स के साथ. तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.